हाय, सो जवान का ट्रेलर तो रिलीज हो चुका है। आप में से बहुत से लोगों ने देख लिया है और जितने लोगों ने नहीं देखा है उतने सारे लोग जाओ जल्दी से जाके ये ट्रेलर देख लो, क्योंकि जवान जब रिलीज हुआ था उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा हाइप था जो कि क्रिएट किया गया हुआ था। और ठीक है, शाहरुख खान के जैसे कि फैंस है, मैं आप लोग जो जितने लोग हैं उन लोगों के लिए वर्थ इट है, बट जब जवान के लिए इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा था, एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना, मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अरे यार इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्या इतना भी ज्यादा वर्थ इट होगा, एक ट्रेलर के लिए भी इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। बट जब मैंने ट्रेलर देख लिया ना, तब मेरे को टोटली समझ में आ गया कि हाँ यार ये हाइप तो वर्थ इट है। मतलब क्या ट्रेलर बनाया है यार, कलर कोऑर्डिनेशन बोल लो, सिनेमाटोग्राफी बोल लो, जिस तरीके से, मतलब मैं क्या बताऊँ, शाहरुख खान, इट्स ऑल अबाउट शाहरुख खान, जिस तरीके से कैरेक्टर को बनाया गया है। और इस मूवी के अंदर देखो, शाहरुख खान सबका फेवरेट है, मेरा भी है, उसके बावजूद भी विजय सेतुपति भी है और योगी बाबू भी है, क्योंकि देखो योगी बाबू एक ऐसे एक्टर है ना जिनके लिए मेरा रेस्पेक्ट हमेशा बढ़ता ही जाता है। जब मैंने उनका वो मूवी आया था ना मैंडेला बोल के, वो जब मैंने देख लिया ना, तब तो मतलब मेरा ऐसा हाल था कि रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट, मतलब क्या मूवी था वो, ठीक है। और योगी बाबू ने क्या कमाल का एक्टिंग किया था उस मूवी के अंदर, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर शाहरुख खान का कैरेक्टर देख के समझ में आ रहा था ये एक ग्रेज विलेन है, गवर्नमेंट जिसके पीछे मतलब बड़ा हुआ है और गवर्नमेंट का दुश्मन, नॉर्मल लोग के लिए भी थोड़ा बहुत दुश्मन, थोड़ा बहुत फ्रेंड, मतलब ऐसे तरीके से क्रिएट किया गया है कि ना चाहते हुए भी इस कैरेक्टर को हम लोग पसंद करेंगे। और इस मूवी के अंदर जैसे कि ट्रेलर देख के मेरे को समझ में आया कि मेन विलेन तो विजय सेतुपति ही होने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी वुमेन एम्पावरमेंट वाले भी चीजें हम लोग देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रांग फीमेल कैरेक्टर्स देख सकेंगे हम, जो कि शाहरुख खान की मूवी के अंदर मुझे पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को बहुत ही, मतलब शाहरुख खान की मूवी के अंदर लड़कियों को बहुत ही पावरफुली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जो कि मेरे को एक्चुअल में बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा लगता है। That's it for today. और मैं तो 7 सितंबर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाऊंगी, निकलते हुए आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर लूंगी। इसके लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय।